आपका एक्साइटमेंट होगा, 8% काम आपकी टेक्निक से होने वाली है, जो टेक्निक 8-step ट्रेनिंग का माध्यम से हम लोग समझेंगे। 2% काम आपकी होती है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग देखिए देखने में थोड़ा सा जरूर लग रहा है, लेकिन ये जस्ट वैसी है कि विकास जी की मर्सिडीज बाहर में खड़ी है 60 लाख की, और उसमें 10 रुपए की हवा ना हो। देखने में 10 रुपए बहुत छोटा है, लेकिन अगर मर्सिडीज से हवा निकाल दिया जाए तो शायद वो मर्सिडीज चल नहीं पाएगी। फाइन ट्यूनिंग किसके साथ बनाना है? आपका अपलाइन के साथ कैसा बिहेवियर है, 2% बिजनेस उससे निकलता है। आपको अपने अपलाइन के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग बना के रखनी है। आपका इस धंधे में अगर कोई भी अच्छा कर सकता है, कोई भी अगर आपका कल्याण कर सकता है, तो वो एक ही इंसान है, वो है आपका अपलाइन। अपने अपलाइन को प्रमोट करना सीखिए। आप कभी भी प्लान के लिए मार्केट में जाते हैं, अपलाइन की रिकमेंडेशन अच्छी होनी चाहिए। कुछ लोग गेस्ट की रिकमेंडेशन करते हैं, अपलाइन को लेके जाते हैं, सर देखिए ये है हमारे ग्रेट डॉक्टर साहब, और सर अगर ये आपसे मिल लेंगे आपका धंधा बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रमोशन किसका करना है? अपलाइन का। फाइन ट्यूनिंग और अच्छा कैसे बना सकते हैं? डेली कॉल करना, अपलाइन की बातों को मानना, बिना पूछे कोई भी काम ना करना। 3 कार्डियल रूल्स आपको यही बताना होता है, बिना पूछे कोई भी अलग काम आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, कभी भी अपलाइन या डाउनलाइन के साथ पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ आपको यही बता देना होता है। क्लियर है? 2% बताया। तो दोस्तों अगर ये 90% और 2% यानी 92% की सक्सेस केवल ये 2 बातों से आ जाती है, तो अब बचता है हमारा 8-step ट्रेनिंग। जिस YouTube चैनल से पैसे कमाना चाहते हो पर अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते, जरूरत भी नहीं है, बिना शक्ल और बिना आवाज के भी काम। ट्रेनिंग जिस प्रोसेस को अगर आपने फॉलो कर लिया, आपका बिजनेस बहुत आगे चला जाएगा। उसके बाद गोल लिस्ट इनविटेशन सो द प्लान बी ए टीम प्लेयर 100% यूजर एंड ए बुक फंक्शन। 8वां स्टेप बता सकते हैं? देखिए कई लोग क्या है ना, घूम जा रहे हैं। नहीं, 8-step ट्रेनिंग में मोटा मोटी बताओ, क्या बताना है? 8वां स्टेप मोटा मोटी बताना है। डिटेल ट्रेनिंग हमारी किसमें हो रही है? 10 कदम में हो रही है ना। यहाँ पे मोटा मोटी बताने का, जैसे ड्रीम, तो आपको ड्रीम बनाना क्यों जरूरी है? ड्रीम बनाने से क्या होता है? जॉब में बॉस का डर, लेकिन यहाँ पे आपकी ड्रीम ही आपको ताकत देती है। बताएंगे शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, गोल और ड्रीम का क्या डिफरेंस है उसका वो आप बता सकते हो। ड्रीम किसको बोलते हैं? जिसमें टाइम बाउंडेशन ना हो। और गोल किसको बोलते हैं? जिसमें टाइम बाउंडेशन हो। ड्रीम और गोल दोनों में डिफरेंस बताइए। लोगों की डायरी भी चेक कीजिए किसके क्या ड्रीम है। ड्रीम 3 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में आप छोटा मोटा गोल बना सकते हैं, मिडिल टर्म गोल में आप डायमंडशिप तक का बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल में आप ब्रांड एम्बेसडर तक का बना सकते हैं, बड़ी लग्जरियस गाड़ियां ये सब कुछ आप उसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? बता सकते हो, उस एग्जांपल बता सकते हैं। डायरी में लोगों की ड्रीम लिखवाने की आदत यही डेवलप कराई जाती है 8-step ट्रेनिंग में। आप FIM में नहीं कर पाएंगे। चेक कीजिए किसने ड्रीम बनाया, किसने ड्रीम नहीं बनाया। कोई बुनाया तो उसको बुला के बुलवाइए और उसकी प्रशंसा कीजिए। ड्रीम जो हमारे गोल है वो आपके डायरी में लिखित होना चाहिए। OP साहब जैसे लिखते हैं ना, इतने दिन को अगर ये गाड़ी नहीं लिया, ऐसा आपका लिखित होना चाहिए। क्लियर है? बता लोगे? फिर लिस्ट, लिस्टिंग, हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, नॉर्मल लिस्ट, लिस्ट को बढ़ाने का तरीका 3-foot rule बताते हैं, कैसे लिस्ट अपग्रेड करना है, ये सब कुछ बता देंगे। क्लियर? बता लोगे ना? पक्का ना? ये आपको कैसे 3-foot rule से लिस्ट को आपको अपग्रेड करना है ये सब कुछ बताना है। हमारे पास 2 टाइप की लिस्ट होती है, एक पेशेंट की लिस्ट होती है, एक डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट होती है, एक यूजर लिस्ट और एक डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट। जरूरी नहीं है कि हम यूजर लिस्ट के पास बिजनेस प्लान करें, और जरूरी नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट के पास हम प्रोडक्ट ही रिकमेंड करें। केवल दोनों तरह के लिस्ट आपके पास होना चाहिए। वैसे इनका लिस्ट बढ़ाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे आप डायबिटीज वाले जो चेकअप सेंटर होते हैं वहां से डायबिटिक वाले का नंबर ले सकते हैं, उनको फोन करके उसको भी उसकी भी एक लिस्ट बना सकते हैं। बेसिक यूजर गैलरी की आप एक लिस्ट बना सकते हैं। क्लियर है? लिस्ट रॉ मटेरियल होता है, हमारे बिजनेस का बेस होता है, वगैरह वगैरह सब कुछ आप लोग जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, लिस्ट के बाद इनविटेशन। इनविटेशन में आपको केवल और केवल लोगों से जान पहचान करना
और वेन्यू के लिए कैसे इनवाइट करना है यह सिखाना होता है एट स्टेप ट्रेनिंग। वेन्यू के लिए आप गेस्ट को कैसे इनवाइट करते हैं यही सिखाना होता है एट स्टेप ट्रेनिंग के अंदर। क्लियर? सो द प्लान, इनविटेशन के बाद सो द प्लान। सो द प्लान में तीन चार चीजों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों प्लान में हमारे गेस्ट को प्लान देने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे प्लानर हैं। हमें केवल ये चीज बताना है, टाइमिंग, ड्रेस कोड, डिसिप्लिन, टेस्टिमनी और राउंड द टेबल, क्योंकि प्लान यहां दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? प्लान यहां दिया जाएगा, इसलिए आपको क्या बताना है, ड्रेस कोड, टाइम, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, टेस्टिमनी और राउंड द टेबल। वहां आपको प्लान सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लान सिखाने का काम हम लोग 10 कदम ट्रेनिंग में करते आए हैं। क्लियर है? क्लियर है? वहां पे आप ये बता सकते हैं कि जब प्लान बजे तो आपको तालियां बजानी चाहिए, ये सब चीजें आप बता सकते हैं। अच्छा लगता है तो ताली बजाया करो, शांत रहो, अपने गेस्ट के साथ बैठो, ये सब चीजें आपको बताना होता है। कई लोग गेस्ट बैठा के बाहर निकल के भाग जाते हैं, तो ऐसे लोग समझाना होता है, गेस्ट के साथ बैठिए, उनके एक्सप्रेशन देखिए, उनके हाव भाव देखिए, और जैसे प्लानर ने बोला विश यू ऑल द बेस्ट, तो राउंड द सर्किल कैसे करना है उसके बारे में बताइए, टेस्टिमनी कैसे देना है ये सिखाइए। क्लियर है? नेक्स्ट, प्लान के बाद 5S रूल होता है। कुछ लोग आपके साथ आएंगे, कुछ लोग नहीं भी आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग वेट कर रहे हैं, इसलिए लगातार काम करते रहो, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। अब आता है फॉलोअप। फॉलोअप में क्या क्या चीजें हैं, टाइम पे फॉलोअप होना चाहिए, टूल्स, फॉलोअप टूल्स आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और कितने बार फॉलोअप होना चाहिए, फॉलोअप का इंपॉर्टेंस क्या है। पहला फॉलोअप होता है राउंड द सर्किल क्लोजिंग के बाद, तुरंत मीटिंग के बाद, उसके बाद 24 आवर के अंदर, 48 आवर के अंदर कितने कॉन्टेक्ट में सेल आता है, ये सब कुछ आपको फॉलोअप की ताकत बतानी है, बार बार मिलने की। क्लियर है? नेक्स्ट, फॉलोअप के बाद 100% यूजर, यूजर में प्रोडक्ट यूजर सबसे ज्यादा फोकस करना है, इसका फोकस करना है। यहां प्रमोट कीजिए रीपर्चेज प्लान। आप मुझे बताइए, रीपर्चेज कराना आसान है या ज्वाइन ही निकालना? क्योंकि रीपर्चेज किससे करवाया जाता है, टीम से जो ज्वाइन है, और रीपर्चेज में कौन से प्रोडक्ट मंगाए जाते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट, जो खा पी के वो खुश रहेगा, यस या नो? रीपर्चेज अगर आपकी टीम में नहीं हो रही, इसका मतलब आपकी टीम की डेथ रेशियो कमजोर है, ज्यादा है डेथ रेशियो। टीम अगर रीपर्चेज नहीं कर रहा है सर, रवि सर, इसका मतलब टीम कमजोर है। कम से कम अपने घर में यूज होने वाला पेस्ट, चाय, शैम्पू, ऑयल, ये सब तो हमारे रीपर्चेज में जाने चाहिए। रीपर्चेज ना प्लान को प्रमोट कीजिए, क्योंकि बाइनरी से आता है 1000 रुपया, रीपर्चेज से सीधे आता है 1500। बाइनरी से मैक्सिमम जाओगे आप 1.5 लाख पे, लेकिन रीपर्चेज जाओगे 3 लाख पे। रीपर्चेज जो है ना वो बहुत बड़ी इनकम है, जिसको आप लोग प्रमोट कीजिए। बिजनेस जो है ना डायरेक्ट सेलिंग, वो एक्चुअल तो प्रोडक्ट बेस ही बिजनेस है। इन्वेस्टमेंट वालों का बाइक बोर्ड और फलना बोर्ड, फलना मेकर, ढेकना मेकर, जितने आए ना, ये सब का हसर लास्ट में यही होने वाला है, पब्लिक दबाव की वजह से आ रहा है ना न्यूज। ये बात तो 100% सत्य है कि बिजनेस है वो प्रोडक्ट, सही प्रोडक्ट का बिजनेस है, लेकिन आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट में मोमेंटम कराना पड़ेगा। कई लोग मुझे पता है कि अभी भी अपॉर्चुनिटी बेच रहे हैं। अपॉर्चुनिटी देखिए डिपेंड करता है आपके ऊपर। बिजनेस जो है ना प्रोडक्ट की ताकत है हमारे पास। लोग प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लोग अभी भी अपॉर्चुनिटी बेचने में लगे हुए हैं। आप अपॉर्चुनिटी की मोमेंटम किसी के यहाँ एक बार ला सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट की मोमेंटम बार बार लाई जा सकती है। आप लोग खुद बताइए यार, हमारे प्रोडक्ट यूजफुल है या नहीं है? हमारे प्रोडक्ट मार्केट में यूज होकर रिजल्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? हमारे कुछ प्रोडक्ट डेली यूज लायक है या नहीं है? तो हम अपने टीम में, अपने लोगों में रीपर्चेज प्रमोट क्यों नहीं कर रहे? फोकस अलग तरह से है। आज तक आपने लेवल पे फोकस करवाया है, आज तक आपने बाइनरी पे फोकस कराया, आज तक आपने ज्वाइनिंग पे फोकस कराया है, प्रोडक्ट यूज करने पे फोकस हमने कराया ही नहीं। फायदा क्या है? सबसे पहली चीज की अगर आप खुद अपने यहां से अपने यूज वाले प्रोडक्ट रीपर्चेज करोगे, इसकी फायदा ये होती है कि आपको 10% तो सीधा डिस्काउंट मिल जाता है जो कंपनी आपके अकाउंट में डालती है। तो हमारा प्रोडक्ट सस्ता हो गया ना, हमारे लिए तो कम से कम सस्ता हो ही गया। प्लस रीपर्चेज से सीधे 1500 का चेक उठाती है, ज्यादा बेनिफिट है। आज से 4-5 साल पहले लोग 1 GB महीना भर यूज करते थे,
कितना यूज करते थे? और 350 रुपए के 1 GB का पैक आता था। हम मोबाइल ऑन करते थे, थोड़ा सा चलाते, फिर टक से बंद करते थे कि कहीं कोई मैसेज ना आ जाए, और फिर तुरंत चेक करते थे कितना यूज हुआ, और 1-1 GB महीना भर चल जाता था। और आज 1-1.5 GB डेली कम पड़ रहा है। दुनिया वही है मेरे दोस्त, लेकिन किसी कंपनी ने यूजर गैलरी आदत बना के बढ़ा दिया। तो ये होता है आपका 100% यूजर में। प्रोडक्ट मैनुअल रजिस्ट्रेशन सीखना है, यहां सिखाना मत, सीखना है ये बताना है बस। सिखाने का काम उसका अपलाइन उसके घर में जाके करेगा। ईमेल, वेब सफरिंग, सब कुछ आपको आना चाहिए। प्रोडक्ट यूज करने आना चाहिए, प्रोडक्ट के सारे यूजेज आपको पता होना चाहिए। तब हमारा आता है नेक्स्ट, कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट नॉलेज। जब प्रोडक्ट देते हैं दोबारा उससे मिलना है, रिजल्ट अगर नहीं आया तो अपलाइन से कंसल्ट करना है। ये नहीं कि प्रोडक्ट देके छोड़ दिए, बेचारा मर रहा है, जी रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जब कहीं से फंसे तब अपलाइन को फोन कर रहे हैं। कंसल्टेंसी के ऊपर भी हमें फोकस करवाना है। 100% यूजर के बाद 7 स्टेप जो होता है बी ए टीम प्लेयर। आपको टीम कैसे हैंडल करना है, क्रॉस लाइनिंग बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ही खतरनाक है। काउंसलिंग, हर वीक में अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग करते रहिए। जब भी आपके दिमाग में निगेटिविटी आए, अपलाइन के साथ काउंसलिंग करते रहना। बता सकते हैं? एडिफिकेशन अच्छे से यहां समझा लोगे? पक्का? एंड लास्ट, टेप, बुक और फंक्शन। ट्रेनिंग अटेंड करते रहो, टेप सुनते रहो। अभी तो टेप आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं सारे अपलाइनों के, है ना। बुक्स पढ़ते रहिए, बहुत सारे रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, उसको आप लोगों को पढ़ते रहना चाहिए। जैसे आप लोग इस लेवल पे बड़ी सोच का बड़ा जादू किताब बहुत अति आवश्यक है। मैं आप सबको प्रमोट करना चाहूंगा कि आप लोग बड़ी सोच का बड़ा जादू किताब जरूर पढ़ें, क्योंकि अभी इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हमें पढ़ने वाली है ना। ये किताब आप लोग जरूर पढ़ें। कुछ और भी जो बुक्स हैं उनको आप प्रमोट कीजिए, और फंक्शन के बारे में प्रमोट